एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब जैसा इसका नाम है एड प्लस वर्ब, मतलब कहीं ना कहीं ये सेंस देता है कि यह वर्ब को ऐड करता है, वर्ब को क्वालिफाई करता है। लेकिन एडवर्ब का फंक्शन केवल वर्ब को क्वालिफाई करना नहीं होता है, बल्कि वर्ब के अलावा यह किसी भी एडजेक्टिव को और जरूरत पड़ने पर खुद को भी क्वालिफाई कर देता है। एडवर्ब के कई अलग अलग काइंड्स होते हैं जिनको हम काइंड्स के अकॉर्डिंग ही यूज करते हैं। मतलब यहाँ पर यह डिसाइड करना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि एडवर्ब का कोई एक फिक्स्ड प्लेस, उसके अपने काइंड्स के अनुसार उनकी प्लेसिंग्स होती है। जैसे आज हम लोग बात करने वाले हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में। जैसा आप इसके नाम से देख रहे हैं, मालूम चल रहा है कि हम प्लेस के बारे में बात करेंगे। एडवर्ब जब प्लेस के बारे में बात करता है वह ऑलमोस्ट वेयर का रिप्लाई होता है। जैसे हम लोग सेंटेंस से यह खोजने की कोशिश करते हैं कि कौन सा वर्ड हमारे लिए एडवर्ब ऑफ प्लेस हो रहा है, तो वह ज्यादातर वेयर का रिप्लाई हुआ करता है और हमें ये मालूम। सवाल ये आता है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस को सेंटेंस में रखा कहाँ जा सकता है। तो सेंटेंस में इसको सेंटेंस के शुरुआत में भी रख सकते हैं, ओपनिंग में भी, और सेंटेंस के लास्ट सेकंड लास्ट में भी रखा जा सकता है। जनरली जो रूल होता है वो ये कहा जाता है कि यह सेंटेंस में सेकंड लास्ट होता है। तो लास्ट प्लेस जो होता है वो टाइम के लिए होता है, इसलिए इसके लिए सेकंड लास्ट प्लेस दिया जाता है। अगर कभी ऐसा हो जाए कि एक से अधिक प्लेसेस आपके सेंटेंस में दिए गए हैं और एक ही सेंटेंस में सबको रखना है, तो ध्यान यह देना है कि उन्हें हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। मतलब छोटे से बड़े क्यों, पहले छोटे जगह को रखेंगे, बाद में हम बड़े जगहों को रखते हैं, दैट इज असेंडिंग ऑर्डर। अगर आप इनको सेंटेंस के शुरू में रखना चाहते हैं तो आप सेंटेंस के ओपनिंग में रख सकते हैं, लेकिन आप केयरफुल रहेंगे कि अगर सेंटेंस की ओपनिंग में इनको रखा जाता है तो इनके बाद कॉमा जरूरी होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस सेंटेंस की ओपनिंग में भी आए और उनके साथ कॉमा ना आया। ऐसा तब होता है जब यह प्रीपोजिशन से बने हुए एडवर्ब हमारे पास होते हैं। कुछ ऐसे भी एडवर्ब हैं जो सेंटेंस की शुरुआत में प्लेस्ड किए जाते हैं और वह भी विदाउट कॉमा। ऐसा सभी के साथ नहीं हो सकता है, सिर्फ उन एडवर्ब्स के साथ हो सकता है जो एडवर्ब हमारे प्रीपोजिशन से बने होते हैं। हम सभी जानते हैं प्रीपोजिशन पोजिशन को बताने का काम करता है जो अपना रिलेशन किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ रखता है। और यह भी जानते हैं कि नाउन या प्रोनाउन जो किसी प्रीपोजिशन के बाद आता है हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो यह देखना जरूरी है कि कौन से ऐसे प्रीपोजिशन हैं जिनसे हम प्लेस का फंक्शन लेते हैं। तो आइए कुछ वर्ड्स हमारे पास हैं जिनके बारे में बात करते हैं जो हमारे लिए एडवर्ब ऑफ प्लेस का भी काम किया है। जैसे इन, ऑन, एट, फ्रॉम, अपॉन, बेनीथ, बिलो, अंडर, आउट, बिटवीन, अक्रॉस, अबाउट, एक्सेट्रा। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो प्रीपोजिशन का भी काम करते हैं और साथ ही साथ एडवर्ब ऑफ प्लेस का भी काम करते हैं। इन्हें हम सेंटेंस के बीच में भी रख सकते हैं और जैसा आप देख रहे हैं सेकंड लास्ट प्लेस इसको दिया गया वैसे भी, लेकिन कभी कभी सेंटेंस की शुरुआत में भी इन्हें रखा जाता है। अगर सेंटेंस की ओपनिंग में रखा जाए, जैसे आप तीन स्ट्रक्चर यहाँ पर देख रहे हैं, तो हमारे सेंटेंस पर क्या असर पड़ता है आइए जानते। सेंटेंस की ओपनिंग में अगर इन्हें रखा जाए और सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन हो, ऐसी कंडीशन में ऑक्सिलरी वर्ब होने पर सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी वर्ब को रखा जाता है। सामान्यतः यह समझा जाता है ऐसी स्थिति में एडवर्ब ऑफ प्लेस इज फॉलोड बाय वर्ब, सब्जेक्ट उसके बाद नहीं आता। जैसा आप देख रहे हैं कि एडवर्ब ऑफ प्लेस उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आ रहा है, फिर सब्जेक्ट आप ले रहे हैं, वो सब्जेक्ट नाउन हो या प्रोनाउन।
जिसके बाद हम मेन वर्ब ले रहे हैं। दूसरे अगर स्ट्रक्चर को आप ध्यान दें, दूसरे स्ट्रक्चर में भी एडवर्ब ऑफ प्लेस को आप सेंटेंस की ओपनिंग में रख रहे हैं जिसके बाद कोई कॉमा नहीं आ रहा है, और यहाँ पर सब्जेक्ट तुरंत इसके बाद आ गया। ध्यान रखिएगा यह इसका एक्सेप्शनल कॉम्बिनेशन है, यह इसका अपवाद है। ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन, अर्थात यह बात क्लियर है कि प्रोनाउन सब्जेक्ट होने पर वर्ब को आप सब्जेक्ट के बाद या सब्जेक्ट के पहले दोनों रख सकते हैं, लेकिन अगर सब्जेक्ट आपका कोई नाउन हो उस स्थिति में सिर्फ आप वर्ब को पहले ही रख सकते हैं, बाद में नहीं रख सकते। एक बात और ध्यान रखना होगा जो तीसरे कॉम्बिनेशन से है, कुछ ऐसे टेंस होते हैं जिनमें ऑक्सिलरी वर्ब कभी कभी नहीं आती, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ऐसी स्थिति में जब ऑक्सिलरी वर्ब ना आए और एडवर्ब ऑफ प्लेस सेंटेंस की ओपनिंग कर रहा हो तो एडवर्ब ऑफ प्लेस के बाद मेन वर्ब आ जाती है जिसके बाद सब्जेक्ट आता है, वह सब्जेक्ट चाहे कोई नाउन हो या प्रोनाउन। लेकिन आप याद रखिए प्रोनाउन होने पर आप मेन वर्ब को सब्जेक्ट के बाद भी रख सकते, लेकिन नाउन होने पर ऐसा आप कभी नहीं कर सकते। इस तीनों पैटर्न्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं। आइए देखते हैं पहला एग्जांपल। पहले एग्जांपल में हमने देखा कि आउट रोहन कैन, आप देख सकते हैं आउट वह एडवर्ब ऑफ प्लेस है जो प्रीपोजिशन से बना हुआ है। आउट के आने पर रोहन नाउन जो हमारा सब्जेक्ट बन रहा है उसे आउट के बाद रखा गया और ऑक्सिलरी वर्ब जो कैन है उसे बाद में रखा गया। यह एक एरर है क्योंकि आप जानते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब को पहले आना होता है और सब्जेक्ट को बाद में। सही करने के लिए सेंटेंस में आप कैन को रोहन की जगह पर और रोहन को कैन की जगह पर सेंटेंस को करेक्ट करेंगे। सच में हो जाएगा आउट कैन रोहन सिट फॉर ब्रेड एंड बटर नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस को अगर आप देखें, श्वेता एंड शिवांगी ये हमारे सब्जेक्ट हैं जो नाउन से बने हुए हैं, यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस का यूज नहीं किया गया है। लिव जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लूरल है सही है। इन अलाहाबाद जो एक प्लेस है, एट कटरा जो प्लेस है, लेकिन अगर आप देखें तो इन अलाहाबाद एक बड़ा जगह है जबकि कटरा एक छोटा जगह है। हम पहले बता चुके हैं एक से अधिक प्लेस के आने पर प्लेसेस को हम असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं, इसका मतलब एट कटरा जो छोटी जगह है उसे पहले आना चाहिए और इन अलाहाबाद जो बड़ी जगह है उसे बाद में आना चाहिए। सही सेंटेंस होगा श्वेता एंड शिवांगी लिव एट कटरा इन अलाहाबाद। लास्ट सेंटेंस में अगर आप देखें तो अंडर एक प्रीपोजिशन से बना हुआ एडवर्ब जिससे सेंटेंस की ओपनिंग हो रही, जिसके बाद पुट मेन वर्ब आया, ऐसा जैसे हमने आपको तीसरे पैटर्न दिखाया हो सकता है, जिसके बाद सब्जेक्ट रमेश नाउन है। नाउन के आने पर वर्ब को हमेशा पहले आना है, यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप सेंटेंस को आगे जाकर देखें इन द इवनिंग डेली, तो डेली जो होता है वो हैबिट की बात करता है और हैबिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिखाया जाता है, इसलिए ऐसे टेंस में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार, आप यहां देख रहे हैं रमेश आपका सब्जेक्ट है जो सिंगुलर है, सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार वर्ब के नंबर को डिसाइड किया जाएगा जिसे सिंगुलर होना चाहिए। पुट यहां प्लूरल है इसलिए यह गलत है, पुट में एस जोड़ करके आप इसे सिंगुलर बनाएंगे और इस तरह से आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस से आज के लिए इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहें और कॉन्टैक्ट करें इंग्लिश किंगडम अलावा। थैंक यू वेरी मच।